फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये स्टेंसिल नहीं है फ्लावर बनाने का वूलन में से, तो आज हम प्लास्टिक की बॉटल में से बनाएंगे और साथ में ये ब्लैक पेन यूज़ करेंगे। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मेरी चैनल निजी क्रोशे आर्ट विजिट किया होगा, तो आपको पता होगा कि ये हमने मैरीगोल्ड फ्लावर्स इसमें से बनाया था और ये पूरा तोरण है मैरीगोल्ड फ्लावर का। तो काफ़ी सारे लोगों की कमेंट्स आई थी कि ऐसे स्टेंसिल्स उनके पास अवेलेबल नहीं थे, तो इसी स्टेंसिल की साइज़ का ये जो साइज़ है आप ये मेज़र कर सकते हो, अंदर के सर्कल की, बाहर के सर्कल नहीं, अंदर के सर्कल की इतनी साइज़ है। तो आपको इतनी साइज़ का कोई भी एक सर्कल शेप प्लास्टिक का बॉटल लेना है। अब हम यहाँ से इसको कट कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे। अगर प्लास्टिक कट नहीं रहा है, ये थोड़ी मोटी बॉटल है, तो हम इस तरह से मोमबत्ती से इसको गर्म करेंगे। जैसे ही ये थोड़ा गर्म होगा, एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। नॉर्मल जो बॉटल होती है पेप्सी की और पानी की जो बॉटलें होती है, वो तुरंत ही कट जाती है। जैसे कि देखा, कटर पहले अंदर नहीं जा रहा था, अब इजीली अंदर जा रहा है। तो ऐसे ही हम इसको कट करेंगे, पूरी बॉटल को यहाँ पे गरम करके फिर कट करेंगे। अब हम ये एक्स्ट्रा एजेस निकाल देंगे। इसके बाद हमें टोटल 12 पिंस की आवश्यकता होगी। टोटल 12 पिंस होनी चाहिए, 12। सो वन बाय वन हम इस तरह से इसमें इंसर्ट करेंगे। ऐसे ही आपको 12 पिंस इस तरह से इंसर्ट करनी है। इस तरह से तो धागा यहाँ से निकलेगा नहीं। वैसे ही आपको सारी पिंस लगा देनी है। तो ये हमने 12 टोटल 12 पिंस एक डिस्टेंस पे हमने इस तरह से इंसर्ट कर दी है। अब हम कोई भी एक पॉइंट में ये इनिशियल इंसर्ट करेंगे और फिर आपको इस तरह से पकड़ के 4 पॉइंट स्किप करके 5th में आपको इस तरह से राउंड लेना है। अगेन 1 2 3 4, स्किप 4 पिंस, 1 2 3 4, एंड इन द 5th पिन टर्न राउंड, 1 2 3 4 इन द 5th पिन। इसी तरह से हम इसको घुमाते जाएंगे, 1 2 3 4 एंड इन द 5th वन, 1 2 3 4 एंड इन द 5th वन, 1 2 3 4 इन द 5th वन, 1 2 3 4 एंड अगेन 1 2 3 4। सो कंटिन्यू इन दिस वे। सो ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू स्किप 4 पॉइंट्स, 1 2 3 एंड 4, एंड इन द 5th पॉइंट 1 2 3 4, स्किप 4 पॉइंट्स एंड फ्रॉम द 5th पॉइंट हम इस तरह से टर्न लेंगे, 1 2 3 4, स्किप 4 पॉइंट्स। यहाँ पे करंट थ्रेड है यहाँ पे, तो हमें 4 पॉइंट स्किप करने हैं, 1 2 3 4, और 5th पॉइंट में यहाँ पे हम इस तरह से घुमाएंगे। अगेन 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स। ये करंट धागा यहाँ पे है, लेकिन हमें ये 4 पिन स्किप करनी है, 1 2 3 4
और ये फिफ्थ पिन में हम इस तरह से धागे को घुमाएंगे। तो ये कंटिन्यू आपको तब तक करना है जब तक ये सारी स्पेस फिल ना हो जाए। सो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, आप देख सकते हो, थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं हो रही है, इजीली हम ये कर रहे हैं। तो दिवाली के लिए बेस्ट है क्योंकि दिवाली आ रही है, तो इससे आप तोरण बना सकते हो, डेकोरेशन पर्पस भी ये फ्लावर यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपके एरिया में, आपके आसपास ये स्टेंसिल अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह से घर पे भी बना सकते हो। सो हमने इतने राउंड्स मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। एक्चुअली फ्लोर ख़राब ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लास्टिक का ढक्कन रखा है। सो ईच टाइम आई एम स्किपिंग नेक्स्ट 4 पॉइंट्स एंड टर्निंग राउंड। बहुत ही ईजी है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। मैं भी एकदम इजीली कर रही हूँ, इस तरह से सिर्फ आपको घुमाना ही है यहाँ से। चलिए अब हम कट करते हैं, ये लास्ट राउंड हम बनाते हैं। अब नेक्स्ट हम इतना धागा छोड़ के यहाँ से कट करेंगे। अब जो है हम सुई में ये धागा डालेंगे। आपको जितना थिक फ्लावर बनाना हो उतने लेयर्स आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हार्डली 12 to 13 लेयर्स ऐड किए हैं। अब इसके बाद ये आपको एकदम ध्यान से देखना होगा, इसीलिए मैं सारे वीडियोस ओरिजिनल स्पीड में बनाती हूँ ताकि बिगिनर्स अच्छे से सीख सकें। अब ये जो धागा है ये करंटली मेरी फर्स्ट फिंगर के पास है, तो मैं क्या करूँगी, ये जो सुई है, ये जो छोटा सा होल है, ये दो होल, उसमें से ये होल जो है यहाँ से इस तरह से नीचे की ओर डालूँगी और पूरे धागे को इस तरह से बाहर निकालूँगी। फिर हम नीचे से इस तरह डालेंगे कि ये यहाँ से बाहर निकले। इस तरह से अब हम ये जो लास्ट धागा था जो हमने यहाँ से अंदर डाला, आप देख सकते हो, उसमें से हम इस तरह से बाहर निकालेंगे। तो एक नॉट हो जाएगी। अगेन हम यहाँ से इसको अंदर डालेंगे। ये सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही आपको करना है और ये जो बीच में से बड़ा सा होल है उसमें से हम बाहर निकालेंगे और ये जो धागा हमने अंदर की साइड डाला था उसमें से हम इसको बाहर निकालेंगे। इस तरह से अगेन नीचे की साइड आपको नेक्स्ट होल है उसमें से हम नीचे की साइड सुई को इंसर्ट करेंगे, नेक्स्ट होल में से इस तरह से। ये एक्चुअली रह गई है यहाँ पे नॉट बनाते वक्त, कोई बात नहीं, चलो इसको नेक्स्ट टाइम देख लेंगे।
इसके बाद यहाँ से नीचे से आपको ये जो बीच में बड़ा सा होल है उसमें से हम बाहर निकालेंगे, और ये जो लास्ट धागा ये जो हमने अंदर डाला, ये जो हमने अंदर डाला था उसमें से हम इस तरह से बाहर लाएंगे और इसको सिक्योर करेंगे। सिमिलरली हम इस तरह से धागे को पकड़े रखेंगे, और नेक्स्ट जो होल है यहाँ पे इसमें से सुई इंसर्ट करेंगे, और इसको हम इधर इतनी स्पेस रखेंगे और बीच में से सुई को बाहर निकालेंगे। और ये जो स्पेस थी उसमें से हम इस तरह से बाहर निकालेंगे। अब इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और अगेन नेक्स्ट होल में इंसर्ट करेंगे। अगेन आपको यहाँ से बीच में सेंटर में से बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद इसमें से हम पास करेंगे सुई और इसको सिक्योर करेंगे। अगेन नेक्स्ट होल यहाँ पे है, इतनी स्पेस हम रखेंगे ताकि इजीली हम उसमें से सुई पास कर सके, और फिर सेंटर में से आपको इस तरह से बाहर निकालना है वापस, और अगेन इसमें से हम सिक्योर करेंगे। इसी तरह से आपको करना है ये प्रोसेस। तो मैंने इसी तरह से सारे होल में से वन बाय वन पास करके कम्प्लीटली मैंने ये फ्लावर बना दिया है। अब जो है हम रिमूव करेंगे इसको। रिमूव करना भी बहुत ही आसान है। तो ये हमने फ्लावर बनाया है जो कम्प्लीटली स्टेंसिल से बनाते हैं वैसा ही इसका फिनिशिंग आया है। आप देख सकते हो ये वाला जो है मैंने ये पिन से बनाया है, और ये वाला जो फ्लावर है ये स्टेंसिल से बनाया था, लेकिन इस ये पिन में से हमें थिकनेस ज़्यादा मिली है जो कि वो स्टेंसिल में इतनी नहीं मिली थी। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, यूट्यूब पे ये पहली बार है, और अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में।